So hi guys, welcome to Azure Mathematics Zone, solution of Azure Mathematics. Today in this video, we are going to solve question number 17 of exercise 13.2, which is d square plus 4d plus 3 into y equal to e to the power minus x sin x plus x e to the power 3x. इसमें हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते थे. पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये सब है, एक बार कोशिश करना खुद से, नहीं होता है तो यहाँ देखो ध्यान से. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए तो हम जानते हैं बहुत आसान स्टेप्स. क्या स्टेप है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, d इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करके उसको जीरो की तरह क्या करना, जीरो को इक्वल कर देना, उसको फैक्टर निकालना है. तो चलो यहाँ निकालते हैं, यहाँ तो बहुत आसान है हमको लगता है. ये देखो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना. तो इसको हम क्या m प्लस 1 और m प्लस 3 में तोड़ सकते हैं. सॉल्व करके देख लेना, ये तो इसी तरह टूटेगा, ठीक है. इसका दो रूट निकलेगा, तब क्या निकलेगा, m1 और m2. m1 की वैल्यू होगी कितनी, माइनस वन के बराबर, और m2 की वैल्यू होगी माइनस 3 के बराबर, होगी ना. यही है हमारे m1 m2 निकल गया. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस m1 x. m1 क्या था, 3 था, m1 x 3x e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर m2 x. m2 क्या था, माइनस वन x. यह होगा हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. चलो इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाया है, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद क्या, m प्लस 3 और m प्लस 1 में टूट गया, m1 माइनस 3 है, m2 माइनस 1 है. इसके तरह क्या रूट क्या थे, रियल और डिस्टिंक्ट थे, तो वही फॉर्मूला लग गया जो हम लगाते हैं. अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी गई है, देख लेना जाके. और इससे पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के, एक्सरसाइज 13.2 के. ये शुरू से देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना अगर कोई दिक्कत हो तो. चलो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक हर बार की तरह एक बार रिवीजन जरूर कर लेते हैं. इसमें भी यही हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू वी, जहाँ वी एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ई टू द पावर ए एक्स एडिशनल है. हमको ई टू द पावर ए एक्स क्या करना है, कॉन्स्टेंट बनाना है. तो हम क्या करेंगे, वन बाय जो एफ डी होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं, तो एफ डी के जगह डी प्लस ए कर देना है. ई टू द पावर एक्स का जो ए है, ए उसमें क्या डी में जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वन बाय एफ डी प्लस ए हो जाएगा. तो ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तब होगा ना, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. और इनटू वी, अब सिर्फ हमें किसको सॉल्व करना होगा, सिर्फ वी वाले इसको पार्ट. अब वी क्या, साइन एक्स एक्स ई टू द पावर एक्स कुछ भी रहे, ई टू द पावर तो नहीं रहेगा, बेसिकली ई टू द पावर तो नहीं रहना चाहिए, साइन एक्स एक्स और एक्स टू द पावर एम, इस टाइप का कुछ होगा. तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट भी देखते हैं. तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट में. तो बस सबसे पहले 1 बाई एफ डी टू द पावर माइनस एक्स टू एक्स एक्स ई टू द पावर 3x, ये है. तो एफ डी क्या था, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, ठीक है. तो हम दोनों का क्या अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि दोनों में क्या ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या अलग अलग है. तो हम दोनों क्या करेंगे, अलग निकालेंगे. सबसे पहले ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स निकालते हैं. देखो इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मतलब ई टू द पावर एक्स में ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ क्या है, ए की वैल्यू माइनस 1 है. तो d की जगह d माइनस 1 हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या e टू द पावर माइनस एक्स क्या आ जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट, मतलब उसका आप कोई काम नहीं रहेगा, एक साइड में वो चला जाएगा. तो यहाँ देखो d माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 d माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू साइन एक्स. यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमने e टू द पावर एक्स यहाँ लिख दिया है माइनस एक्स, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रहा. और d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 d माइनस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स, ये किया. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट e टू द पावर माइनस एक्स 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू साइन एक्स, ये निकलता है. अब देखो ये हम जानते हैं कि अगर साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस बी, अगर x इक्वल टू जो होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है, ई एक्स प्लस बी होता है, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं ना. देखो ये है क्यों मत समझ लेना, ई स्क्वायर पुट करते हैं. तो साइन एक्स में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1. तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1. तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. तो डी स्क्वायर को माइनस 1 पुट करना है. यहाँ पर देखो हमने डी स्क्वायर को माइनस 1 पुट किया, यहाँ पर इस जगह पर देखो किया ना पुट, 2d माइनस 1 1 बाई 2d माइनस 1 किया, ठीक. और ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2d प्लस 1 से रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रैशनलाइज हो जाएगी फंक्शन. तो रैशनलाइज कर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल फार्मूला नहीं है, विदाउट एक्सेप्ट 1 बाई डी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx. और कोई जनरल फार्मूला नहीं है, अगर d के साथ कोई फंक्शन ऐड है या सब्ट्रैक्टेड है तो उसके लिए हमारे पास कोई जनरल फार्मूला नहीं है. इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं कि नीचे वाला टर्म क्या
एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, ऊपर वाले टर्म में डी आ जाए, डी का अर्थ डी वाई डी एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। यहाँ भी हमने वही किया है, 4d² - 1 हो गया, तो डी स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5 हमने बाहर ले लिया, e^-x/5 और 2d+1 में cos x sin x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो d ऑफ sin x मतलब d बाई dx ऑफ sin है, sin x क्या होता है, d बाई dx ऑफ sin x cos x होता है, तो cos x हमने लिख दिया, 2 cos x था 2d था तो 2 cos x हो गया और sin x का sin x हो गया। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। चलो आगे चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, ये भी थोड़ा सा आसान ही है लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो देखो x e^3x है, ये तो देख के समझ में आ रहा है, क्लियर इंडिकेशन x e^3x है, ये भी क्या है e^x v वाला फॉर्म में लगेगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 3x है, e^3x है तो e^3x को क्या इनएक्टिव कर देते हैं, मतलब इसमें इस फंक्शन में इसका कोई काम ही नहीं रहे, वो वाला काम कर देते हैं, तो क्या डी की वैल्यू क्या कर देंगे d+3 से सब्सिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हम जान रहे थे क्या होता है अगर e^x रहता है तो d+a हो जाता है, या क्या 3 है तो d+3 हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो देखो यहाँ पर d² + 6d - +9 + 4d + 12 + 3, ये हमारा हो गया आफ्टर सॉल्विंग, d प्लस थ्री बैठाने के बाद सॉल्व करने के बाद पूरा इक्वेशन, आखिर का क्या निकलता है e^3x / d² + 10d + 24 × x, ये निकला हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है, x है x^m वाले में हम क्या जानते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखो, x^m वाले में हम लोग क्या क्या जानते हैं, याद है कुछ, अगर याद नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जाके देख लेना। देखो x^m वाले में हम करते क्या है, सबका उसको बाइनोमियल में तोड़ते हैं, जैसे 1+d का इनवर्स तोड़ते हैं x^m में, ठीक है, और इसका जो एक्सपेंशन होता है ये याद रखने वाली चीज़ है, 3-4 एक्सपेंशन हमने बताए थे किसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ क्वेश्चन में बताए थे, वो वाले ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इससे पिछले 2-3 भी क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में मैंने ये बताया था इसका एक्सपेंशन के बारे में, एक्सपेंशन ध्यान में रखना बस, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या एक्सपेंशन करने के लिए 24 कॉमन लिया, एक्सपेंशन करने के लिए 1+d ही लेना है क्योंकि उसका एक्सपेंशन सबसे आसान है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर 1+d, यहाँ 24 कॉमन लिया क्योंकि हमारा क्या फॉर्म आ जाए 1+d, तो d हमें क्या लेना होगा, ये टोटल जो है हमें, ये टोटल पार्ट हमें d लेना होगा एज एक्स, क्लियरली समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट अगर नहीं लेंगे अलग अलग करेंगे तो हमारा दूसरा टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल वी हैव ओनली 2 टर्म्स 1+x, यही इसको एक्स कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अब जहाँ तक जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक देखो d² ऑफ x मतलब एक्स के दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उससे आगे हमें बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर एक्सपेंशन किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, 1+x का एक्सपेंशन हो जाता है, x^n का एक्सपेंशन हो जाता है, n नहीं था यहाँ पर, ये n की जगह -1 है, इसका एक्सपेंशन एक बार ध्यान दे दो, ध्यान पर दो, 1 - x + x²-x³ मतलब एक के बाद एक माइनस, एक के बाद एक प्लस होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही किया हमने, तो 1 - d² / 24 + 10d / 24 क्योंकि एक्सपेंशन का फॉर्मूला के अनुसार किया हमने, ठीक है। तो देखो e^3x/24 ये तो हम जानते हैं बाहर निकल गया था पहले, अब हम क्या करते हैं एक्स को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक्स ही हो जाएगा, d² से मल्टीप्लाई करेंगे तो d² मतलब दो बार डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और 10d / 24 है, 10d / 24 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना था, 10/24 हो जाएगा, मतलब आखिर का क्या हो जाएगा 5/12। देखो आंसर हमारा क्या आ गया दूसरा वाला पार्ट का, e^3x/24 x-5/4 12, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, ये हम बेसिकली बहुत दिन से जानते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों जोड़ के हम कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, तो यही हमारा क्या गया कंप्लीट सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा, यही हमने लिख दिया, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर चैनल को अगर चाहें।